नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले में बुधवार को नकल रोकने गए स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ अभद्रता करने के मामले में जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग नकल माफियाओं के आगे घुटने टेक दिया है। पूरे मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक वीके शर्मा की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। बताते चले कि बुधवार को जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के विक्रम इंटर कॉलेज मोहम्मदपुर लाट घाट में नकल रोकने गए स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ नकल माफियाओं ने कॉलेज के अंदर न केवल जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया बल्कि उनके ऊपर रंग फेंके गए। इस मामले में स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने जीएनपुर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन शिक्षा विभाग ने इस नकलची कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साध ली है। ये कॉलेज लगातार नकल कराए जाने के मामले में विवादों में रहता है, बावजूद इसके कॉलेज के खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती। बताया जा रहा है कि मोटी रकम और मजबूत पकड़ के चलते विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई जिला विद्यालय निरीक्षक बीके शर्मा नहीं कर पा रहे हैं और इनकी भूमिका इस मामले में संदिग्ध नजर आ रही है। वहीं जब जिलाधिकारी के पास मामला आया तो जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीलोचराम सर, क्या मामला है आपका? मैं विक्रम इंटर कॉलेज में स्टैटिक मजिस्ट्रेट हूँ और वहाँ पर हमारे साथ 28 तारीख को भी लोगों ने रंग डाला और गेट बंद करके गांव द्वारा रंग डाले हुए पर, और उसके बाद फिर मैं वही भीगे कपड़े पहन करके मैं आजमगढ़ गया, फिर वही आया फिर मौके पर। इसके बाद हमने फिर घर लौटा हूँ, कल भी परेशान किए लोग, हाँ आज भी आज भी लाख मना करने के बावजूद भी नहीं माने और मेरे पर रंग डाल दिए और मुझे भद्दी गालियाँ भी दिए, हाँ। और चूँकि मैं सख्ती कर रहा हूँ कॉलेज में मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार करने के अनुसार हम लोग नकल को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं और नकल उन्हें नहीं दे रहा हूँ। और इसमें जो दो आदमी इमला बोल रहे थे उसको मैंने बाहर कर दिया, निकाल दिया। और इसके बाद मैं बराबर हर कमरे में जाता हूँ, देख चेक करता हूँ। अब पहली बार मैं कंट्रोल रूम बैठ कर देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। ये लोग आखिर आपके साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? नकल माफिया हैं ये लोग? हाँ, इसलिए कि ये यहाँ से चले जाए और हम लोग अपना मन से, क्योंकि पैसा ले चुके जिससे पैसा लिए हैं लोग जी, तो ये सौदा ये लोग करते हैं, चौरासी करते हैं, हाँ। प्रिंसिपल को देते हैं जी, तो वो अपने न करके ये इन लोग लगाया गया, उसमें बाहरी लोगों को बुला करके मेरे ऊपर ये रंग फेंकवाया जा रहा है, कभी टीचर फेंकवाया जा रहा है कि भाग गया यहाँ से सर जी। हाँ, और क्योंकि हमारे स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है जी, और हमने बार बार मना किया भैया ऐसा न करो। इस मामले में आपने उच्च अधिकारियों को सूचना दिया? हाँ, कंट्रोल रूम को दिया हूँ जी। और आप थाने में? थाने में फायर करने को दिया हूँ, FIR दर्ज हो गई जी। थैंक यू सर। अजमतगढ़ में एक इंटर कॉलेज में शिकायत आई है जिसमें स्टैटिक मजिस्ट्रेट के ऊपर स्याही वही फेंकने की बात है, जिसमें उन्होंने FIR लिखाया है। मैंने SDM साहब को भेजा था कल, SDM साहब ने जाकर के अपने स्तर से देखा है तो कोई वहाँ पे एकाध कक्ष निरीक्षक को बदला भी है, उसमें डिटेल मैंने रिपोर्ट SDM साहब से मांगी है, जैसी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई। उन्होंने स्टैटिक मजिस्ट्रेट का साफ साफ बयान है कि इमला बोल करके नकल कराई जा रही थी, उन्होंने निकाला उसकी प्रक्रिया मेरे को नहीं पता। नकल की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट है वो जरूर बता रहे थे कि जब हम ऊपर जा रहे थे तो नीचे नहीं देख पा रहे थे, नीचे देख रहे थे तो ऊपर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अगर नकल की, इसीलिए मैंने अपने तहसील स्टाफ को SDM साहब को भेजा था कि अगर कोई बात आएगी तो उसके खिलाफ से कार्रवाई करें, अगर नकल की बात पुष्टि होती है तो उस सेंटर के काफी बदनाम नहीं, कोई भी हम लोग किसी सेंटर को बख्श नहीं रहे। अगर कोई भी आदमी नकल करता हुआ या नकल कराता हुआ या गड़बड़ करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इस्टिकेट भी हुए हैं और मैंने रिपोर्ट कल ही SDM को फ़ोन किया था, कल वो बिजी, उन्होंने मुझे फ़ोन से बताया भी था कि मैं गया था और जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ जो घटना हुई वो सही है, FIR हुई है और मैंने एकाध कक्ष निरीक्षक को बदला भी है। मैंने कहा डिटेल रिपोर्ट में सबमिट कर दो, अगर डिटेल रिपोर्ट में कोई बात आएगी तो उसके खिलाफ सेंटर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।